हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हेड का दूसरा वाला, वो है क्या, सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हम एक एक स्ट्रक्चर ही ले रहे हैं ताकि उसको आसानी से समझ पाए। सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चुका, चुकी, चुके आकर थाती थे, आ ई ए आई आकर थाती थे, लिया था, दिया था, ले लिया था, दे दिया था, इस तरह के वर्ड्स आए। मतलब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। गाइज, आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस देखा ही होगा, उसमें हेड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे चुका, चुकी, चुके आकर थाती थे, वह बाजार जा चुका था, मैं उससे बात कर चुका था, हम उसे परेशान कर चुके थे, वह दरवाजा खोल चुका था। या आ ई ए आई आकर थाती थे, उसने क्रिकेट खेला था, मैंने उसको समझाया था, उसने मेरी बात मान ली थी, हमने उसे मोटिवेट किया था। या लिया था, दिया था, ले लिया था, दे दिया था, उसने मेरा मोबाइल ले लिया था, मैंने उसको पैसे दे दिए थे, उसने बैंक से लोन लिया था, हमने उसकी हमने उसको सलाह दे दी थी। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। सो गाइस, हेड लगता है यहां पर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बाजार जा चुका था, सो आई हैड गॉन टू मार्केट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। वह यहां आ चुका था, सो ही हैड कम हियर। मैं उसे मोटिवेट कर चुका था, सो आई हैड मोटिवेटेड हिम। राम मुझे इंस्पायर कर चुका था, सो राम हैड इंस्पायर्ड मी। हम टॉपिक प्रिपेयर कर चुके थे, सो वी हैड प्रिपेयर्ड टॉपिक। वह कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे चुका था, सो ही हैड गिवन प्रेजेंटेशन इन द कॉलेज। मैं पैसा कमा चुका था, सो आई हैड अर्नड मनी। उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए थे, सो ही हैड डिपॉजिटेड मनी। इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर कर दिया था, सो इलेक्ट्रिशियन हैड रिपेयर्ड फैन। हम मेहनत कर चुके थे, सो वी हैड वर्कड हार्ड। मैंने कमरा साफ कर लिया था, आई हैड क्लीनड रूम। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस है जिसको हम ट्रांसलेट करके इसको सीख सकते हैं। जैसे हम उसके लिए मोबाइल खरीद चुके थे, उन्होंने मुझे कल पीटा था, नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, बच्चों ने गृह कार्य कर लिया था, मोहन ने मेरे पैसे छुड़ा लिए थे। इस तरह के सेंटेंस, जैसे उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। हम उसके लिए मोबाइल खरीद चुके थे, सो वी हैड खरीद चुके थे, परचेस्ड, वी हैड परचेस्ड मोबाइल उसके लिए, फॉर हिम। So we had purchased mobile for him. हम उसके लिए मोबाइल खरीद चुके थे। उन्होंने मुझे कल पीटा था, so they had पीटा था, beat, third form beaten. They had beaten me कल, मतलब बीते हुए कल में, yesterday. So they had beaten me yesterday. नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, so नरेंद्र मोदी had घोषणा करना, proclaimed for डीमोनेटाइजेशन। सो नरेंद्र मोदी हैड प्रोक्लेम्ड फॉर डीमोनेटाइजेशन। बच्चों ने गृह कार्य कर लिया था, सो चिल्ड्रन हैड डन होमवर्क, चिल्ड्रन हैड डन होमवर्क। जैसे मोहन ने मेरे पैसे चुरा लिए थे, सो मोहन हैड, चुराना स्टील, थर्ड फॉर्म स्टोलन, सो मोहन हैड स्टोलन मेरे पैसे, माय मनी। So, Mohan had stolen my money. Guys, इसी तरह कुछ और sentences भी हम देख सकते हैं। जैसे यहां देखिए, उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने मतलब कोई लड़की है, suppose she. So, she had told a lie. Tell a lie का third form, told a lie. Told a lie, मुझसे, from me. ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम मी या टू मी में भी बोल सकते हो। शी हैड टोल्ड अ लाई फ्रॉम मी, उसने मुझसे झूठ बोला था, हमने उसकी मदद की थी, सो वी हैड helped him, हमने उसकी मदद की थी, so we had helped him. उसने कांग्रेस को वोट दिया था, उसने मतलब कोई लड़का है, he had voted to Congress, उसने कांग्रेस को वोट दिया था, so he had voted to Congress. वोट मतलब होता है वोट देना, मत देना, मतदान देना, उसका थर्ड फॉर्म voted. बीजेपी चुनाव जीत गई थी, so बीजेपी है ना, had जीत गई थी, won the election, election मतलब चुनाव, so BJP had won the election. हम competition हार गए थे, we had, हारना, lose, third form lost, so we had lost the competition. So we had lost the competition. हम competition हार गए थे। इस तरह दोस्तों एक ही सेंटेंस को हम पांचों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। मैंने पानी पी लिया था, I had, verb का third form, drink का third, drunk है ना, so I had drunk water, मैंने पानी पी लिया था, मैंने पानी नहीं पिया था, so I had
not drunk water. Drunk water. क्या मैंने पानी पी लिया था? So had I drunk water. मैंने पानी कब पिया था या कब पी लिया था? So when had I drunk water. So when had I drunk water? और किसने पानी पी लिया था? So who had drunk water? किसने पानी पी लिया था? तो who had drunk water. So guys, यहां पर हम लोगों ने had के second use को समझने की कोशिश की जो past perfect tense के रूप में आया था. उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत beneficial रहा होगा. Thank you so much for watching this video till the end.